दोस्तों नमस्कार, एसएमएस बाजार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कैसे ट्रांसपोर्ट ट्रैक सॉफ्टवेयर के थ्रू फुल ट्रैक वाले बिजनेस कैसे मैनेज होता है। अगर आप एक ट्रांसपोर्टर हैं और आपका फुल ट्रैक मोड का बिजनेस है, तो आप कैसे आसान तरीके से हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपना बिजनेस मैनेज कर सकते हैं। आपका एक ब्रांच है या मल्टी ब्रांच है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीज़ें हमारा सॉफ्टवेयर से आप मैनेज कर पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे वीडियो आपको आगे मिस ना हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर लेंगे। हमारा ये वीडियो दो पार्ट का होगा, एक है बुकिंग का पार्ट और एक दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटर पार्ट, जहाँ से पूरा सॉफ्टवेयर को मैनेज किया जाएगा हेड ऑफिस से, और एक बुकिंग ब्रांच जो अपने बिजनेस को बुकिंग के थ्रू मैनेज करेगा। तो चलिए हम बुकिंग ब्रांच से लॉगिन करते हैं। अभी मैंने बुकिंग ब्रांच से लॉगिन कर लिया। सबसे पहले सॉफ्टवेयर में जब आप लॉगिन करेंगे, आपको बुकिंग मेनू दिखेगा। बुकिंग मेनू पे आपके सारे ऑप्शंस यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद है लोडिंग, जो आपके व्हीकल रिलेटेड सारे मैनेजमेंट यहाँ मिलेगा, ड्राइवर रजिस्ट्रेशन, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ मिलेगा। डिस्पैच रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगा। रिसीव, अगर दूसरे ब्रांच से आपको माल रिसीव हो रहा है, गेट पास मतलब माल डिलीवरी करने के लिए, और डिलीवरी पेंडिंग रिलेटेड सारे नोट्स यहाँ मिलेंगे आपको। अकाउंटिंग रिलेटेड सारा चीज़ आपको यहाँ मिलेगा, और जितने सारे रिपोर्ट्स से आप यहाँ मिलेगा, और सेटिंग्स आपको यहाँ मिलेगा, और यहाँ आपको पासवर्ड चेंज का ऑप्शन मिलेगा। अभी देखते हैं कैसे एक बुकिंग किया जाता है हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू। बुकिंग करने के लिए आपको बुकिंग मेनू पे क्लिक करना है और बुकिंग रजिस्टर पे जाना है। बुकिंग रजिस्टर पे जाते ही आपको सारे बुकिंग्स दिख जाएगा जो प्रीवियस बुकिंग है, और नया बुकिंग के लिए आपको क्रिएट न्यू बुकिंग पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू बुकिंग पे क्लिक करते ही आपको ये विंडो दिखाई देगा। सबसे पहले आपको कॉन्साइनर और कॉन्साइनी का इन्फॉर्मेशन डालना है। नॉर्मली कॉन्साइनर होता है सेंडर, जो माल भेजता है, और जो रिसीवर होता है उनको हम ट्रांसपोर्टेशन के लैंग्वेज में कंसाइनी बोलते हैं। अगर आपका कंसाइनर पहले से रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ सर्च कर सकते हैं, तो आपको यहाँ दिख जाएगा। अगर पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो आप यहाँ राइट साइड में प्लस बटन पर क्लिक करके आपको यहाँ से रजिस्टर कर लेना है। इसके बाद मैं कंसाइनी सिलेक्ट करता हूँ। कोई भी एक कंसाइनर में कंसाइनी मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद ये जो वेंडर है, कभी अगर थर्ड पार्टी से आपके पास माल आ रहा है या थर्ड पार्टी का काम आप करते हो, तो वेंडर यहाँ आपको सिलेक्ट करना है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट सेल्फ रहेगा। इसके बाद जिस डेट में बुकिंग हो रहा है, बुकिंग का डेट यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आप बैक डेटेड बुकिंग करना चाहता है तब भी ये पॉसिबल है। इसके बाद जिस जगह में आपको माल शिपिंग कराना है, आप यहाँ सर्च करेंगे। अभी मान के चलिए मैं दिल्ली से कोलकाता या फिर दिल्ली NCR से हरियाणा के लिए मैं माल बुकिंग कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। आपको एक ही जगह पे सिर्फ लिखना है, बाकी यहाँ ऑटोमेटिक दो लोकेशन आ जाएगा। फिर आपको यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का मोड, कौन से मोड पे आप माल शिपिंग करा रहे हो, सिलेक्ट करना है, और पेड बाय, ये पेड बाय क्या होता है कि यहाँ दो पर्सन है, एक है कॉन्साइनर एक है कॉन्साइनी, इनमें से कौन पैसा देगा आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, मतलब किसके नाम पे लेजर हिट करेगा, किससे आपको पैसा कलेक्ट करना है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके बाद ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर टैक्स पेड बाई ऑप्शन सिलेक्ट कर देगा। मतलब क्या है कि जब भी आप बुकिंग करेंगे, एंड ऑफ द मंथ आपको GST का कंप्लायंस भी मैनेज करना है। अगर किसी पार्टी का GST नंबर आपके सॉफ्टवेयर में रजिस्टर्ड नहीं है, उस केस में टैक्स पेड बाई ट्रांसपोर्टर ऑटोमेटिक हो जाएगा। अदरवाइज अगर कंसाइनर या कंसाइनी का जिसका पेमेंट लाइबिलिटी है उसका GST नंबर रहता, तो ऑटोमेटिक यहाँ सिलेक्ट हो जाएगा, जो आपको सॉफ्टवेयर गाइड कर देगा। ठीक है, इस वाला केस में क्या हो रहा है कि इनके GST नंबर अवेलेबल नहीं है, इसके लिए ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्टर उठा लिया है सॉफ्टवेयर। इसके बाद जो भी प्रोडक्ट्स आप शिपिंग करा रहे हो उसको आप सर्च करके यहाँ से सिलेक्ट कर देना है।
ये हमने ऐसा कर दिया कि आप कोई भी प्रोडक्ट प्लस में क्लिक करके आप ऐड कर लेना कि बाद में गलती ना हो। आपका एक स्टाफ अगर उनको इतना पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी वो ये काम कर पाएगा, गलती नहीं होगा। और यहाँ आपको क्वांटिटी लिखना है, 200 क्वांटिटी हमने डाल दिया। इसके बाद एक्चुअल वेट यहाँ डालना है और ऑटोमेटिक क्रॉस वेट भी आ जाएगा। क्रॉस वेट आप अगर चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद वेट टाइप किलोग्राम हमने दिया, अगर आपका टॉन का क्विंटल का जो भी काम है वो आप कर सकते हैं। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर सेक्शन से आप जितना मर्जी यहाँ वेट टाइप आप बना सकते हैं। इसके बाद है टैक्स स्लैब, तो टैक्स स्लैब आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद रेट एज पर हमने क्या किया, बहुत सारे ऑप्शन दे दिया। किसी का रेट वेट पे होता है, किसी का वॉल्यूम या साइज़ पे होता है, किसी का क्वांटिटी पे होता है, किसी का डिस्टेंस पे लेते हैं, किसी का आवर पे लेते हैं। तो वो आपके हिसाब से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं वेट ले लेता हूँ पर किलो 10 रुपीज़। इसके बाद हम ऐड टू बिल्टी में क्लिक करना है। इसके बाद ये हमारे सॉफ्टवेयर के यहाँ ऐड हो जाएगा हमारा जो भी आइटम अभी हम शिपिंग करेंगे। अगर कोई भी एडिशनल चार्जेस आपको लगाना है आप यहाँ लिख सकते हैं। ये जो आइटम्स है ये कस्टमाइजेबल है, कोई भी आइटम आप अपना पसंद के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से आप बना सकते हैं। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते ही सॉफ्टवेयर आपको नेक्स्ट पेज में लेकर जाएगा जिसमें आपको बाकी चीज़ें डालना है, जैसे यूए बिल नंबर, यूए बिल का डेट, एक्सपायरी डेट, ये सारे डालना है। और ये जो एलआर नंबर होता है ये एडिटेबल है, आप अगर चाहें तो डिफरेंट एलआर नंबर भी आप डाल सकते हैं अगर किसी को पहले से एडवांस एलआर नंबर आपने दे दिया तो। ट्रांसपोर्ट लाइन पे ऐसा होता है कि जो आगे वाला गाड़ी है उसको पहले ही उसको नंबर दे दिया, तो ऐसे होता है। अगर चाहे तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद जो गाड़ी से माल जा रहा है वो आपको गाड़ी सिलेक्ट करना है, और गाड़ी सिलेक्ट करते ही ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर आपको पूछेगा कि भाड़ा कितना है भाई, आप कितना भाड़ा उनको पे करना है गाड़ी वाले को। मान के चलो हम 500 रुपीज़ को भाड़ा सिलेक्ट कर दिए। और यहाँ रेट में भी हमने बहुत सारे कैटेगरी का दिया है कि गाड़ी वाले के साथ कैसे डील हुआ आपका, फिक्स्ड है, वेट है, डिस्टेंस है, आवर है, कैसे आपने किया। तो ये मैं समझाने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप करेंगे आपका ये प्रीडिफाइंड सब ऐसे ही रहेगा। सिंपली ये मतलब 30 सेकंड पे एक बुकिंग आप कर सकते हो अगर पहले से सारे प्रीडिफाइंड रहते हैं। मैं समझाने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। इसके बाद यहाँ आपको पेमेंट मोड पे मतलब पेमेंट टर्म रहता है क्या है कि पेड है तो पहले से आप पूरा पैसा ले रहे हो कस्टमर से, टू पे मतलब जब माल डिलीवर होगा तब आपको पैसा कलेक्ट करना है। इसके बाद राइट साइड में कुछ और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने डाले हैं, अगर कोई मैनुअल बिल्टिंग आपने बुकिंग किया है तो उस केस में इसमें डालना है, पैकेजिंग चॉइस, ये सारे ऑप्शनल है, ये ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी रखना चाहता है तो यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपको अगर वैल्यू ऑफ द गुड्स आपको मेंशन करना है तो आप यहाँ रख सकते हैं। अगर कंसाइनर का इनवॉइस नंबर, डेट, और बड़े बड़े कंपनी कभी कभी डिलीवरी ऑर्डर नंबर भी देता है, आप यहाँ रख सकते हो। और शिपिंग एड्रेस अगर डिफरेंट है तो आप यहाँ चेंज करके रख सकते हो। इसके बाद आपको सेव बुकिंग पे क्लिक करना है। देखा है कितना सिंपली आप ये फिलअप कर सकते हो। सेव बुकिंग पे क्लिक करते ही हमारा सॉफ्टवेयर हमें बिल्टी कंप्लीट करके हमें दे देगा। और ये जो बिल्टी है आप ये पीडीएफ करके किसी को भी मेल भी कर सकते हैं, किसी को भी आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करते ही आप यहाँ से आराम से पीडीएफ कर पाएंगे, ठीक है। सेव मारते ही पीडीएफ हो जाएगा, यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं, आराम से प्रिंट भी होगा और यहाँ से पीडीएफ भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं कैंसिल कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हमने बहुत सारे तरीके का फॉर्मेट सामने दे के रखे हैं। यहाँ आप हाफ पेज का कर सकते हैं, इसमें 3 पेज का भी फॉर्मेट है, बहुत सारे फॉर्मेट सामने दे के रखे हैं, आप अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। जब हमारा माल बुकिंग हो जाता है इसके बाद ऑटोमेटिकली व्हीकल हायर भी हमारे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक मेंटेन कर लेता है। व्हीकल हायर भी हो चुके हैं, फिर व्हीकल रजिस्टर आप देखिए, यहाँ से अगर कोई भी नया गाड़ी आपको लेना है तो आप यहां से ऐड न्यू व्हीकल रजिस्टर में जाके आप व्हीकल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका हायर्ड गाड़ी है तो ड्राइवर का नाम डिटेल्स आपको यहां डालना है, अगर ओन्ड गाड़ी है तो ड्राइवर का डिटेल्स आपको अलग से रजिस्टर करना पड़ेगा, जैसे यहां आप ड्राइवर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद आपका काम होगा, अगर कोई पेट्रोल पंप के साथ काम करता है, जैसे पेट्रोल आप प्रोवाइड करते हो गाड़ी वाले को, तो आप यहाँ से पेट्रोल वाले को भी ऐड कर सकते हो। फिर होता है आपका
जैसे अभी जो भी माल हमने बुकिंग किया है तो ये बुकिंग रजिस्टर में ये दिख गया है, ठीक है। अभी ये डिलीवरी पेंडिंग है क्योंकि हमने जस्ट माल बुकिंग किया और गाड़ी लोड करके गाड़ी छोड़ दी है। अब इसके बाद हमारा काम रहता है कि हमारा जितने भी डिलीवरी पेंडिंग है वो पेंडिंग डिलीवरी पे शो कर जाएगा। देखिए ये डिलीवरी पेंडिंग है, जब डिलीवरी हो जाएगा हमें जस्ट डन बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आप अकाउंटिंग पे जाके पेंडिंग पेमेंट पे देखना है, क्योंकि अभी देखिए ये जो पेंडिंग पेमेंट है हमें ये पैसा लेना है। तो कलेक्ट बटन पे क्लिक करते ही हमें यहाँ से पैसा कलेक्ट हो जाएगा और हम 5250 लिख के पूरा पैसा हम ले लेंगे, ठीक। और यहाँ जो व्हीकल पेंडिंग पेमेंट है रिसिप्ट में, जो गाड़ी डिलीवर हुआ इसके बाद जो 500 रुपीज़ है इसका पैसा हम यहाँ से पे कर देंगे गाड़ी वाले को, उसका भी DO क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आप कर सकते हैं 500 रुपीज़ पे नाव पे करते ही उसका भी DO क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से आप डेली कैश बुक में जब क्लिक करेंगे आपको डेली कैश बुक का पूरा हिसाब आपको यहाँ से मिल जाएगा। जो भी पैसा आपने रिसीव किया है, जो भी पैसा पेमेंट किया है, वो सारे यहाँ से आपको मिल जाएगा। डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं एंड ऑफ द डे। और यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हैं अकाउंटिंग पे, डेली कैश बुक, मनी रिसीट, अकाउंट्स और डेली कैश बुक रजिस्टर, डेट वाइज रजिस्टर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पेमेंट, पेंडिंग पेमेंट कलेक्शन, पेमेंट वाउचर, इनवॉइस, ये सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। देखिए यहाँ से डायरेक्टली आपको इनवॉइस भी क्रिएट हो चुके हैं। अभी हरियाणा का जो माल हमने बुकिंग किए थे उसका इनवॉइस भी हो चुका है। अगर किसी को इनवॉइस भी देना है तो आप यहाँ से प्रिंट करके इनवॉइस भी दे सकते हैं। और ये जितने भी चीज़ें प्रिंट आउट है इसका फॉर्मेट हम अलग से प्रोवाइड भी करते हैं। अगर किसी को कस्टमाइज करवाना है तो कस्टमाइजेशन के लिए हम अलग से चार्जेस लेते हैं, लेकिन ये डिज़ाइन हम प्रोवाइड करते हैं अगर किसी का अलग से डिज़ाइन करवाना है तो। हमने ये देखा है कि एक ब्रांच नॉर्मली ये फीचर्स मिलता है ब्रांच को, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो यहाँ मिलता है आपको। रैक, लेटर हेड, फिर मैनेजिंग फ्लैग्स, सीरियल नंबर, लोकेशन मैपिंग। लोकेशन मैपिंग से आपको लोकेशन का सारे मैपिंग यहाँ मिल जाएगा। जो भी लोकेशंस का आपका काम है, ऐड न्यू लोकेशन पे जाके आप लोकेशन बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से। वहाँ से हम देखते हैं क्या क्या फीचर्स मिलेगा। ठीक है, अभी हम एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से लॉगिन कर लिया, और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट पे लेजर चीज़ हम देखते हैं। ब्रांच को लेजर नहीं दिखता है, क्योंकि अगर आपका पूरा हिसाब आपका स्टाफ देख लेगा तो कुछ अगर आपका सीक्रेट रखना है तो वो रख सकते हैं। तो इसीलिए हमने इसको अलग से लेजर रिपोर्ट अलग कर दिया है कि आपको कोई भी कस्टमर का अकाउंट आप अलग से देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जितने भी बुकिंग हैं आप यहां से उनके पूरा क्रेडिट डेबिट करके आप यहां से पूरा देख सकते हैं। और लेजर का भी हमने 2-3 फॉर्मेट देख रखे हैं, तो जो मर्जी आप, जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है उसी फॉर्मेट पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटर में हम सेटिंग में बहुत सारे चीज़ें हैं, मैंने जैसे पहले बताया टैक्स लैब है, टैक्स लैब से आप पूरा टैक्स का सेटिंग्स कर सकते हैं। इसके बाद वेयर हाउस, मैनेजिंग फ्लैक्स, लोकेशन, पैकेज कैटेगरी, ट्रांसपोर्टेशन मोड, ट्रांसपोर्टेशन मोड जो होता है ये रेल रोड, जो भी मोड का काम है। जैसे मैंने अभी रोड को सिर्फ एक्टिवेट रखे हैं, बाकी का भी ऑप्शन आप यहाँ से स्टेटस को यस करने से आपको वहाँ मिल जाएगा बुकिंग के वक्त। इसके बाद ऑल सेटिंग्स है, यूनिट मेजरमेंट, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं किलोग्राम, टन, अगर आपको टन को काम टन पे काम करना है तो आप यहाँ से एक्टिवेट करके रख सकते हैं। इसके बाद आपको प्राइस सेटिंग, अगर किसी कस्टमर वाइज आपको प्राइस सेटिंग करके रखना है वो भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ प्राइस सेटिंग ऑप्शन है अवेलेबल, तो यहाँ से आप वेट, जैसे वेट, वॉल्यूम, डिस्टेंस यहाँ है, फिर कस्टमर वाइज, जैसे अकाउंट वाइज प्राइस सेटिंग, यहाँ अकाउंट वाइज प्राइस सेटिंग कर सकते हैं। अगर किसी कस्टमर वाइज सेटिंग करना है, वो ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते लेकिन अगर किसी को चाहिए तो वो यूज़ कर सकते हैं। डिलीवरी टाइप देखिए, यहाँ डिलीवरी टाइप दो रहे, गुड एवन डिलीवरी एंड डोर डिलीवरी। इसके बाद है मतलब बहुत सारे जितने भी सेटिंग्स हैं, बहुत सारे व्हीकल सर्टिफिकेट, जितने भी व्हीकल के लिए सर्टिफिकेट ज़रूरत होता है वो आप यहाँ रख सकते हैं। फिर
एक्सपेंडिचर लिस्ट, प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट्स का आपका काम होता है वो सारे प्रोडक्ट आप यहाँ ऐड करके रख सकते हैं, जितने भी आइटम्स का आप काम करते हो। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हमने इसके अंदर डाल के रखे हैं। अगर आपको लाइव डेमो देखना है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे फ़ोन कर सकते हो और डायरेक्टली आप हमारे साथ बात करके आप लाइव डेमो भी देख सकते हो, यूज़ करके भी देख सकते हो हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। जिन लोगों का फुल ट्रक का काम है, आप आराम से आपके बिजनेस इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप मैनेज कर पाएंगे। फिर भी कोई भी डाउट है आप हमारे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। और आप अपना कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।